गाइस कैसे आप लोग। और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ये PS5 कंपैटिबल हेडफोन्स के साथ जो मैंने अमेज़न से मंगाया है। सो देखते हैं ये हेडफोन्स कैसा है, इसका एक रिव्यू करने वाला हूँ मैं एंड टेस्टिंग करने वाले। सो देखते हैं कैसा है ये हेडफोन्स। तो गाइस चलो इसे अनबॉक्स करते हैं एंड ये मुझे लग तो रहा है बहुत सही हेडफोन्स रहेंगे, मैंने इसको अमेज़न से मंगाया है। तो ये हेडफोन्स है जॉनस की तरफ से, जैसे आप देख सकते हैं बहुत सही हेडफोन्स है। एंड ये मुझे मिला है, जैसे इसके MRP है 1299, लेकिन ये मुझे एक ऑफर पे मिला है 999 में। तो ठीक है, एक डिसेंट सा हेडफोन्स है ये प्राइस में। मैं इसको अनबॉक्स कर रहा हूँ अभी। स्पीकर दिया है 40 mm फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है 20 Hz का एंड सेंसिटिविटी भी अच्छा है इसका। एंड केबल लेंथ इसका 165 meters बता रहे हैं लोग। एंड माइक्रोफोन का फ्रिक्वेंसी 100 Hz है जो एक सही है, वैल्यू फॉर मनी हेडफोन लगता है मेरे को ये रेंज में आपको इससे अच्छे हेडफोन नहीं मिलते जो PS5 के साथ कंपैटिबल है। एंड देखते हैं इसके अंदर कैसा क्या है। पैकिंग इन लोग का बहुत सही है, पैकिंग इन बहुत सही दिया है। और जो कलर का मैं बात करूँ तो कलर इसका बहुत ही प्यारा है, जो PS5 के अकॉर्डिंग इसका कलर बहुत ही सही दिया है। मेरा मेन रीजन था ये हेडफोन खरीदने का, इसका जो कलर है बहुत सही है, जो एकदम मैच होता है PS5 से। एंड ये मैं देख सकता हूँ ये ओवर ईयर हेडफोन्स है इसका। इसके साथ एक यूजर मैनुअल दिया है, पहले यूजर मैनुअल देख लेते हैं फिर मैं आपको हेडफोन के बारे में बताता हूँ। तो ये जैसा आप देख सकते हो इस पे चाइनीज में कुछ लिखा है एंड इसमें इंग्लिश में कुछ लिखा है। एंड ये जो दो स्टिकर्स भी मिलते हैं इसके साथ जो सही है यार, नीटो बोल के है, आई गेस ये नीटो ऐसे ही प्रोनाउंस किया जाता है। एंड इसका इस पर दिया है कि कस्टमर केयर सर्विस भी है जो सही है, मुझे अच्छा लगता है, एक अच्छा ब्रांड है। एंड जैसा हेडफोन्स को देख सकते हैं तो क्वालिटी तो बहुत सही है यार हेडफोन्स के, क्वालिटी वाइज तो मुझे बहुत सही लग रहे हैं हेडफोन्स के। और ये जो इस पर मुझे ऐसा लगा ये स्टिकर है, बट ये स्टिकर नहीं है, ये इस पे एक अच्छा सा ग्रेडियंट लुक दिया है, सब देख सकते हो। एंड कुशनिंग भी बहुत सही लग रहा है यार, बहुत सॉफ्ट कुशनिंग है, कुशन की क्वालिटी भी बहुत सही है यार। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से एक अच्छा हेडफोन है। और इस पे जो माइक है माइक्रोफोन का भी दिया है, आप माइक्रोफोन से भी कर सकते हैं, कनेक्ट करके खेल सकता हो। सो मेरे हिसाब से तो बहुत सही है, देखते इसका क्वालिटी कैसा है। ये प्लास्टिक बिल्ड है तो क्वालिटी भी अच्छा है इसका, मुझे लगता है ड्यूरेबल है, कोई भी जो नॉर्मल गेमर्स है इसके साथ अच्छे से गेमिंग कर सकते हैं 3-4 घंटा तो। एंड इसका मैं एक रिव्यू आपको बाद में दूंगा जब मैं इस खेल के यूज करूंगा। एंड इस पे एक ऑडियो जैक भी दिया है जो डायरेक्टली हम PS5 के रिमोट से कनेक्ट कर सकते हैं, इसको फोन एंड लैपटॉप में भी यूज कर सकते हैं मेरे हिसाब से। एंड देन ये इसका वॉल्यूम अप एंड डाउन करने के एंड म्यूट करने के लिए है जो एकदम सही है। ये ब्लूटूथ हेडफोन्स नहीं है, प्रॉपर वायर्ड हेडफोन्स है। सो मेरे हिसाब से तो वैल्यू फॉर मनी है, अच्छा हेडफोन्स है। और इसके बाकी में खेल के गेम टेस्ट करके इसका रिव्यू दूंगा आपको। गाइस आप देख सकते हो ये हेडफोन्स, ये रिमोट कंट्रोल है PS5 का एंड मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ इसमें जो इजीली प्लग इन हो गया है। एंड ये अब कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे और इसे खेल सकते हैं। सो यस थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ इससे हेल्प मिलता है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर एंड
नेक्स्ट वीडियो में मैं असैसिन क्रीड का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एंड वो वीडियो का गेम प्ले करने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। जैसे कि असैसिन क्रीड आ गया है मेरे पास, इसका अनबॉक्सिंग करके गेम प्ले करने वाला, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज हिट द बेल आइकन एंड डू वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।